औरंगाबाद में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराने के उद्देश्य से सीआरपीएफ के 153वीं बटालियन के द्वारा आरओ प्लांट की स्थापना की गई है। देव प्रखंड के विश्रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप के मुख्य द्वार पर बने आरओ प्लांट का उद्घाटन कमांडेंट सौरभ चौधरी, एएसपी अभियान राजेश कुमार, सहायक कमांडेंट बी सरवन कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर कमांडेंट सौरभ चौधरी ने कहा कि विश्रामपुर के अलावे क्षेत्र के तमाम गांव के ग्रामीण यहां से शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमेशा ही सीआरपीएफ कंपनियों के द्वारा सहयोग की भावना से कार्य किए जाते हैं। इधर शुद्ध पेयजल मिलने से ग्रामीणों में काफ़ी खुशी देखने को मिली। नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत कई प्रकार के हम लोग योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसमें एक ऐसा भी जो सुदूर क्षेत्रों में पानी देखा जा रहा है कि पानी ठीक नहीं है, पीने के योग्य नहीं है, लेकिन मजबूर हैं गांव वाले उस पानी को पीने के लिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक आरओ प्लांट उस एरिया में लगाया जाए जो उनके लिए मदद कर सके। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये आ रही है कि आरओ प्लांट की सुरक्षा कैसे की जाए, इसलिए हम लोग ने जहाँ हमारे कैंप हैं उसके आसपास उस कैंप के अंदर या लगा करके, ताकि हम उस प्लांट को सुरक्षित रख सकें और गांव के लोगों को साफ़ पानी, साफ़ और स्वच्छ पानी, जो जिसका TDS चेक किया हुआ हो, वैसा पानी हम लोग उपलब्ध करा सकें। और अभी तक औरंगाबाद में 4-5 जगह लग चुका है, ये अब जस्ट आज ही ये प्लांट शुरू हुआ है और उम्मीद है कि इससे हमारे आसपास के गांव वाले लाभान्वित होंगे।